फातिमा अल फीरी, फाउंडर ऑफ डिग्री ग्रांटिंग यूनिवर्सिटी। आप स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में तो पढ़े हैं, क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत कब, कैसे और किसने की? आइए डिटेल में बात करते हैं कि यूनिवर्सिटीज की स्टार्टिंग कैसे हुई और किसने की। फातिमा अल फीरी, जिसने सबसे पहले यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किया, जिसे दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग एंड फर्स्ट डिग्री ग्रांटिंग यूनिवर्सिटी के रूप में रिकॉग्नाइज्ड किया गया था। फातिमा अल फीरी ट्यूनिशिया देश में पैदा हुई। ये दो बहनें थी, इनकी छोटी बहन का नाम मरियम था। इनके फादर का नाम मोहम्मद अल फेहरिया था, जो बेहतरीन ताजिर थे, यानी व्यापारी। फातिमा अल फीरी की पैदाइश 800 ईस्वी के आसपास कैयूरन शहर में हुई थी, जो आज के ट्यूनिशिया में है। ट्यूनिशिया उत्तरी अफ्रीका में एक देश है, जो भूमध्य सागर की सीमा पर है। इसकी पश्चिमी सीमा अल्जीरिया और दक्षिणी पूर्वी सीमा लीबिया के साथ है। ट्यूनिशिया देश की 98% आबादी अरबों की है, जिसमें 1% यूरोपीय शामिल है और 1% जातीय समूह है, जिसमें ज्यादातर बर्बर और उप सहारा प्रवासी शामिल हैं। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है मोरक्को में मौजूद अल कराबियन सन 859 ईस्वी में इदरीसी रूल के जमाने में। अल फीरी ने इसे इस्टेब्लिश किया। एक अच्छे, वेल एजुकेटेड और अमीर खानदान से बिलोंग करने वाली फातिमा अल फीरी। फातिमा अल फीरी को अपने फादर की विरासत मिली तो उन्होंने कसम खाई कि वो अपनी जायदाद का सारा हिस्सा एक मॉस्क यूनिवर्सिटी बनाने में लगा देंगी, जिसे 845 ईस्वी में राजा यहाया इब्ने मोहम्मद की देखरेख में बनवाया गया था। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के दिन से लेकर बिल्डिंग के कंप्लीट होने तक फातिमा अल फीरी ने हर रोज रोजे रखे। यूनिवर्सिटी बनने में 18 साल लगे। अल कराबीन मजहबी एजुकेशन के सेंटर के साथ साथ पॉलिटिकल डिस्कशन का भी सेंटर थी। यहाँ कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। यहाँ कुरान, थियोलॉजी के साथ साथ लॉ, रेटरिक, प्रोज एंड वर्स राइटिंग, लॉजिक, अर्थमेटिक, जियोग्राफी और मेडिसिन भी पढ़ाई जाती थी। इसी के साथ साथ ग्रामर, मुस्लिम हिस्ट्री, एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कोर्स भी यहाँ होते थे। अल कराबीन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के साथ साथ पॉलिटिकल डिस्कशन का सेंटर भी बनती गई। धीरे धीरे यहाँ दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाने लगे, जिसमें नेचुरल साइंस को ज्यादा अटेंशन दी जाती। इस तरह अल कराबीन ने फर्स्ट यूनिवर्सिटी होने का टाइटल हासिल किया। ये यूनिवर्सिटी वेल इक्विप्ड थी, स्पेशली एस्ट्रोनॉमिकल और टाइम को कलेक्ट होने के इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ मौजूद थे। साइन क्लॉक, एस्ट्रोलिक वगैरह टाइमर्स नाम के रूम में रखे जाते हैं। सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स की वैरायटी और हाई क्वालिटी की टीचिंग्स की वजह से दूर दराज के स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स भी यहां आने लगे। इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ लोकल स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि अदर कंट्रीज से भी यहां आते थे। अल कराबीन अभी भी अल अंडालस के पास खड़ा है, जो मस्जिद फातिमा की बहन मरियम ने बनवाई थी।